हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे सोनीलिव की वेब सीरीज थ्रस्टी विथ डेस्टिनी को, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ्रस्टी विद डेस्टिनी ये एंथोलॉजी सीरीज आज ही सोनीलिव पर रिलीज हुई है। इस सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 24 मिनट से लेकर 37 मिनट के बीच का है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को एंथोलॉजी सीरीज़ देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये सीरीज़ कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक एंथोलॉजी सीरीज़ है, जिसका ये मतलब है कि सीरीज़ में एक कहानी तो है नहीं। इस सीरीज़ में टोटल हमें 4 कहानियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें ग्रीड, रिवेंज के अलग अलग शेड्स देखने को मिलते हैं। तो किस तरह के ये शेड्स हमें सीरीज़ में देखने को मिलते हैं, यही सब इस सीरीज़ की कहानी है। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक ही लगा है, जिसका ये मतलब है कि सीरीज़ में कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें खराब भी हैं। चलो पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह का मैसेज ये सीरीज़ हमें देना चाहती है और हमें बताया जाता है कि किस तरह से हर एक कैरेक्टर में कितने अलग अलग शेड्स होते हैं, वो सब इतना अच्छा तो है ही कि हमें हर एक एपिसोड में कुछ नया जानने को मिलता है। और फिर जिस तरह से हर एक एपिसोड को स्टार्ट किया जाता है, वो भी पर्सनली मुझे पसंद आया है। ऑल्दो जिस तरह से लगभग सारे एपिसोड लिखे गए हैं, वो मुझे काफ़ी रूटीन लगे हैं, क्योंकि किसी भी एपिसोड में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है जो हमारा दिमाग पूरी तरह से घुमा दे या फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दे, जो कि काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि सीरीज़ में उस तरह का पोटेंशियल था। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया है, जिसके कारण हम इन कैरेक्टर्स के उन शेड्स के साथ पूरी तरह से फैमिलियर नहीं हो पाते हैं जो कि हमें होना चाहिए था। और जो कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक्स थे, वो भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगे हैं। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स को स्क्रीन पर देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस सीरीज़ का अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन अच्छा ज़रूर है। और जो एडिटिंग थी, वो भी बस ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक ठीक ठाक एंथोलॉजी सीरीज़ है, और अगर आप लोगों को एंथोलॉजी सीरीज़ देखना पसंद आती है तो शायद आपको ये सीरीज़ पसंद आ सकती है। लेकिन एक प्रो ऑडियंस को मुझे तो नहीं लगता कि ये सीरीज़ कुछ खास पसंद आने वाली है, तो आपको ये सीरीज़ देखनी या नहीं ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।